34 बरस का जो है इतिहास बदलेगा इस बार जी। जो यहाँ जन विरोधी विकास विरोधी है उसको यहाँ की जनता जो है उखाड़ फेंकेगी। यहाँ के सत माननीय नेता ने हमारे नेता ने विकास किया है और उसमें विकास वाले बेला में नहीं हुआ उसका दोषी जो है यहाँ के जनप्रतिनिधि। चुनौती नहीं है यहाँ हमारा चारों के चारों बिहार में जो उपचुनाव हो रहा है, बेला है, बेलागंज है, इमामगंज है, जो तरारी है और जो रामगढ़ है, एक तरफा एनडीए के पक्ष में। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। बिहार की बेलागंज में उपचुनाव चल रहा है और हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए उमेश कुशवाहा जी हैं। सीधे तौर पे क्षेत्र में घूम रहे सर, माहौल कैसा है? तरफा है एनडीए के पक्ष में। हम लोग के जो उम्मीदवार है मनोरमा देवी, एकदम 34 बरस का जो है इतिहास बदलेगा इस बार। जो यहाँ जन विरोधी विकास विरोधी है उसको यहाँ की जनता जो है उखाड़ फेंकेगी। जी, 34 साल में बेलागंज में कुछ विकास नहीं हुआ, हम भी क्षेत्र में घूम रहे थे, लोग कह रहे हैं। मैंने तो कहा ना कि 34 वर्ष का जो इतिहास है इस बार बदला जाएगा। जो जन विरोधी है, विकास विरोधी है, लोकतंत्र विरोधी है, उसको इस बार जनता सबक सिखाएगी। इस बार फिर से मनोरमा देवी को यहाँ स्थापित करेगी। मनोरमा देवी को सब लोग, एक तरफा जो है लहर जो है चल रहा है एनडीए के पक्ष में। मानते हैं सर कि बेलागंज में जंगल राज था एक समय में और अब बदलाव की ओर बढ़ रहा है? जंगल राज तो 2005 में था ही जी। उसके पहले जो है स्थिति थी सब लोग को मालूम है। अभी जो है आप देख रहे हैं कि जब से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के हाथों में सत्ता का बागडोर दिया गया है, न्याय के साथ माननीय नेता ने हमारे नेता ने विकास किया है और उसमें विकास वाले बेला में नहीं हुआ उसका दोषी जो है यहाँ के जनप्रतिनिधि। जो जनप्रतिनिधि हैं उसको जनता यहाँ सबक इस बार सिखाने जा रही है। जो जनता जो है इस बार मन बना लिया है, एक तरफा मन बना हुआ है एनडीए के पक्ष में। हम लोग के जो उम्मीदवार हैं मनोरमा देवी, उनको चुनाव जिताएगी। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष है, आपकी चुनौती तो ऐसी भी ज्यादा है? चुनौती नहीं है यहाँ हमारा चारों के चारों बिहार में जो उपचुनाव हो रहा है, बेला है, बेलागंज है, इमामगंज है, जो तरारी है और जो रामगढ़ है, एक तरफा एनडीए के पक्ष में। परिवारवाद का इल्जाम भी विपक्ष लगा रहा है। बिल्कुल, परिवारवाद। नीतीश कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद। तमाम लोग एकजुट है, एक साथ है, न्याय के साथ विकास और सबका साथ सबका विकास। जो हमारे नेता विकास पुरुष माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो न्याय के साथ विकास कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी जो सबका साथ सबका विकास, जो आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो संकल्प लेकर चल रहे हैं, इन दोनों के जुदाई जो जोड़ी है, जो करिश्माई जोड़ी है, इस जोड़ी को जनता पसंद करती है। चार में से चार आ जाएंगे सर? बिल्कुल, चारों के चार। तो देखिए, चारों में चार इस बार एनडीए के खाते में। सीधे तौर पे जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने यह ऐलान कर दिया है। बेलागंज में हमारी मौजूदगी है और सुबह से ही हम देख रहे हैं और मिजाज नाप रहे हैं और जनता में जो नाराजगी है, क्योंकि 34 साल से जो विधायक थे यहाँ के, अब वो सांसद बन चुके हैं लेकिन उन्होंने काम नहीं किया है। सीधे तौर पर जो तस्वीर है वो भी आपको बता रहे हैं और देखिए तमाम बड़े नेता भी आ रहे हैं। मेरे पीछे आपको ये भी नजर आएगा, आपको सारी चीज़ें जो है हम साफ तौर पे दिखाएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।